दोस्तों क्या आपके किसी फ्रेंड ने आपका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है? अगर दोस्तों आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आपके किसी फ्रेंड ने आपका नंबर जो है ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका नंबर किसी ने ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है तो आप उसके फ़ोन से अपने नंबर को ब्लैकलिस्ट से कैसे निकाल सकते हैं, यही दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहें क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जो भी मैं आपको बताऊँगा वो आपने ध्यान से समझना है, तभी यह सब कुछ हो पाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपने करना क्या है, आपने अपने फ्रेंड को किसी फ्रेंड को जो है वो कॉल लगानी है और उसे बोलना है कि भाई मेरे को कॉल लगा। कॉल लगाने के बारे में दोस्तों आपने जो है, जैसे ही आपके फ्रेंड ने आपको कॉल लगा दी, उसके बारे में दोस्तों आपने अपने फ्रेंड को उसका नंबर देना है जिसने आपका नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में डाला है। नंबर देने के बारे में दोस्तों आपने अपने फ्रेंड को बोलना है कि भाई इस नंबर को भी कॉल लगा और कॉन्फ्रेंस कॉल कर। उसके बारे में दोस्तों आपका जो फ्रेंड होगा वो उस नंबर पर कॉन्फ्रेंस कॉल कर देगा जिस नंबर ने, जिस व्यक्ति ने आपको जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाला था। दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस कॉल से होगा क्या कि उस कॉन्फ्रेंस कॉल में आप भी ऐड होगे और जिसने आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला है वो भी ऐड होगा। दोस्तों इससे होगा क्या कि आपका नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली से जो है वो ब्लैक लिस्ट से निकल जाएगा क्योंकि दोस्तों आपके फ्रेंड ने कॉन्फ्रेंस कॉल की है, इसलिए वो मिल जाएगी। दोस्तों आपने ऐसे ही प्रोसेस करना है तो दोस्तों आपका नंबर जो है वो ब्लैक लिस्ट से निकल जाएगा दोस्तों अगर आप ऐसा करोगे। अब बात आती है कि कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे करें, क्योंकि दोस्तों कईयों को जो है वो कॉन्फ्रेंस कॉल करना नहीं आता, इसलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले जो है अपने डायलर पैड में चले जाना है। जैसे कि मैं आइडिया कस्टमर केयर को ही मिला देता हूँ, जैसे कि मैं कस्टमर केयर को कॉल मिलाकर बता देता हूँ कि कैसे आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये नंबर जो है वो किया, इस नंबर को डायल करने के बारे में दोस्तों जैसे ही ये जो नंबर है वो डायल हो जाएगा, जैसे ही वो उठा लेंगे उसके बारे में दोस्तों होगा क्या, उसके बारे में आपको जो है यहाँ पर ऐड कॉल का ऑप्शन दिखेगा। आपने यहाँ पर ऐड कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐड कॉल पर क्लिक करने के बारे में आपने दूसरा नंबर जो है वो मिला देना है जिस पर आप कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये भी जो है वो डायल कर दिया है, ये दोस्तों अब जो है वो कॉन्फ्रेंस कॉल होने लग जाएगी। यहाँ पर जो है आपने फिर मर्ज पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मर्ज पे क्लिक कर दोगे तो आपकी जो है वो कॉन्फ्रेंस कॉल लग जाएगी। ऐसे दोस्तों आप जो है वो कॉन्फ्रेंस कॉल लगा सकते हो। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैं आज आपको देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।